नहीं तेरा नशीब कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाइन है बसेरा कर पहाड़ों की चिठानों पर। जाली वोट पवांदे जांदे, 14,000 बनांदे जांदे, पंचरां कोलो जान छुड़ाओ, खान दियां बावां बनदे जाओ। गैस बिजली नू हाथ नहीं पांदे, मेट्रो बस चलांदे जांदे, पुलां ते पुल बनांदे जांदे, सरिया इत्तफाक दा लांदे जांदे। जालमा कोलो जान छुड़ाओ, खान दियां बावां बनदे जाओ। यहां से सदाए बुलंद होती थी। हमारा जो कंटेनर है उसने अवाम के सारे इश्यूज एड्रेस किए हैं। अवाम के पास एक प्लेटफॉर्म था जहाँ उसकी उसके इश्यूज डिस्कस होते थे, अपने हकों की जंग लड़ रहे थे। अनबिलीवेबल, पूरा जिना एवेन्यू भर दिया इमरान खान ने, और एक दिन के नोटिस में। फिर यहीं से हम जाते थे लाहौर, कराची, सियालकोट, फैसलाबाद, जगह जगह जलसे करके वापस कंटेनर पर पहुँचते थे। तो ये तो तारीखी जगह है, इधर से तो जाने का दिल ही नहीं करता। अभी मेरा दिल चाह रहा है मैं कंटेनर खड़ा हो, लोग हो, कंटेनर के ऊपर जाऊं और इमरान खान को बुलाऊं। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, कौन है आप। इधर हमें नहीं जाना चाहिए, ये पार्लियामेंट है। जब तक ठीक तरह से पार्लियामेंट ना बने, हमारी ये जगह है, ये कंटेनर, सब साथियों को यहाँ आना चाहिए। यहाँ मुझे लग रहा है बहुत जल्दी दोबारा धरना होने वाला है, मुझे पता नहीं फीलिंग हो रही है। ये गवर्नमेंट जो है इसकी कोई हाल नहीं है, इनके खिलाफ दोबारा निकलना पड़ेगा ताकि चीज़ें सुधरें। धरने के दौरान लोग कहते हैं अभी जो मिलता है हमें, कहते हैं दोबारा धरना दें, क्योंकि लोगों को पता है धरने के दौरान पेट्रोल सस्ता हुआ, लोड शेडिंग बंद हो गई, कई चीज़ें महंगाई कम हुई, क्योंकि गवर्नमेंट को डर था कि लोग तो सड़कों पर आ गए हैं। इधर अपोजिशन हुई थी, पूरी सारी पार्टीज एक तरफ हो गई और पीटीआई जो है एक तरफ थी, यानी कि सारे मफाद परस्त टोला इकट्ठा हो गया और तहरीक इंसाफ अलग खड़ी थी। और ये तारीखी जगह इसलिए भी है, फिर जुडिशल कमीशन बना और धरने से ज्यादा दूर नहीं, करीब ही सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे फिर जाना शुरू हुआ। तो जिंदगी का ज्यादा हिस्सा तो इधर गुजर गया इन शाराओं पर, और यही स्ट्रगल है, यही कोशिश है इमरान खान की कि एक दिन के नोटिस पे यहाँ भर जाए जिना एवेन्यू। तो इतनी स्ट्रगल इमरान खान ने जो की, अब मंजिल करीब है इंशाल्लाह, हम बिल्कुल पहुँच गए अपनी मंजिल पे। क्योंकि जब हकूक के लिए लोग बाहर निकलना शुरू हो जाए, जब बेदार हो जाए, कौम जाग जाए, जब पाकिस्तान जाग जाए, तो फिर इंशाल्लाह मंजिल पे पहुँचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये जो नया पाकिस्तान कॉन्सेप्ट है ये बन के रहेगा। Inshallah, Inshallah, Inshallah.